बहुत ज्यादा प्रतिभा। हाँ मम्मी। पढ़ाई हो रही है? हाँ मम्मी। आज्ञा। यस मॉम। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी मॉम। अच्छे से? यस गुड। हाँ यार मम्मी आ गई थी पढ़ाई के लिए, बोल रही थी। नहीं तुम बताओ हम कब मिलेंगे दोबारा? पता है मॉम के चक्कर में मेरा फोन गिर गया। यार और बताओ बेबी। हाँ अच्छा यार मुझे मिलना था, टाइम नहीं है। कोई बात नहीं देख लो। Listen closely to the voices. हेलो। यस यार तेरी पढ़ाई हो गई? पढ़ाई? हाँ कल पेपर है। ओ शिट यार कल पेपर है, फोन रख जल्दी। ओ कल पेपर है, पढ़ ले मैडम। क्या लिखेंगे कल पेपर में? कुछ नहीं यार। ओह माय गॉड फोन में आसी की आवाज बंद कर दे। अरे नहीं नहीं मैं पढ़ रही हूँ यार। पेपर है, कुछ भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। जीरो जीरो यार कुछ बता दे तूने पढ़ा हो तो, थोड़ी तो हेल्प कर दे मेरी। दो, यार दो दो जुड़वे है ना फ्रेंड्स। यार फेल हो जाऊंगी मैं तो। पढ़ ले पढ़ ले यार, कुछ पढ़ लेते हैं सच में। यार ये चैप्टर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, क्या करूंगी मैं इसमें? कौन सा ये चैप्टर का? यार मैं सब ये मुझे अरे इस सब्जेक्ट का पेपर है। किसका पेपर है? आई थिंक मैथ्स का है। सेट रूल तो खोल यार। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मस्ती प्रतिभा। मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, आई थिंक इन्हें भी आप जान ही गए होंगे। ये हैं आज्ञा। हाँ तो आज्ञा आज हम क्या करने वाले हैं? वैसे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दो फेवरेट आशीष चंचलानी की वीडियो के। यार बहुत ज्यादा मतलब मैं तो उसकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना, इतना हंसाता है यार वो, मैं क्या बताऊँ मतलब। सही में और मेरे को उसकी वीडियो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यूवर्स है ना उनको भी बहुत पसंद होगी। ऑफ कोर्स पसंद होगी, मतलब कितना बेस्ट कॉमेडियन है यार वो, मतलब बहुत हंसाता है। वैसे हम कौन सी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिनकी? आज हम करने वाले हैं एग्जाम्स, क्योंकि ओह माय गॉड एग्जाम्स, क्योंकि करंट टॉपिक है यार सबको, सभी एग्जाम्स है, सबकी एग्जाम्स की सबकी वॉट लगी पड़ी है। हाँ जिसको पढ़ना है वो भी पढ़ रहा है, जिसको नहीं पढ़ना बेचारा वो भी पढ़ रहे हैं। यार मतलब मैं तो बताऊँ मेरे जो एग्जाम्स चल रहे थे ना तो मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब थी ना, मैं क्या बताऊँ। मेरे को तो समझ नहीं आता, रिजल्ट आता है फिर दूसरा एग्जाम आ जाता है, यार फिर दूसरा खत्म होता है फिर खत्म हो गए यार ये एग्जाम्स सच में। तो फ्रेंड्स आखिर हमारे कुछ फ्रेंड्स होंगे जो हमारे व्यूअर हैं वो भी 12th एंड 10th में होंगे, उनके भी एग्जाम्स भी चल रहे होंगे। तो आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? आप लोग भी क्या टाइम पास कर रहे हैं एग्जाम्स को लेके और अपनी फैमिली से झूठ बोलते हैं जैसे कि मैंने किया था अपने एग्जाम्स टाइम में? यार हमारी ये बकबक बकबक जो है ना चेचे चेचे कभी खत्म नहीं होने वाली। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये तो चुप होने वाली है नहीं। सो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। आइए फ्रेंड्स साथ में देखते हैं इस वीडियो को। मतलब ये क्वेश्चन 2020 में भी नहीं आएगा। 16, 17, 18, 19
मैटिक में क्वेश्चन आया तो 2020 में क्यों आएगा? क्यों है? इलेक्ट्रिक बिल का क्वेश्चन देखो, 2016 में है, 17, 18, 19 में है, मतलब 2020 में आएगा कैसा सवाल है सर, प्लीज कैन यू आस्क मी अ लिटिल टफ क्वेश्चन सर। व्हाट इज इट? मैंने
इससे भी टफ बात है सर फिल्म फेयर तो तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ नोटिंग करना शुरू होगा चलो बताओ व्हाट इज इरिगेशन सर सिंपल सर इरिगेशन यूनिवर्सल इरिगेशन इन समाज इरिगेशन इन फैमिली इरिगेशन इन साइंस इरिगेशन इधर तो सर इरिगेशन इधर इरिगेशन इरिगेशन इधर इरिगेशन इधर सर सो मच इरिगेशन हो जाता है हालत का आपकी मजबूरी नहीं बंदर की मजबूरी इसलिए कहता हूं बुझाया कब करो नहीं तो बच्चे भी नहीं बाबू के निशान के साथ फैलाओ में सर ओह माय गॉड Thank you.
सर मैं क्या कह रहा था पापा मैं पूछ रहा हूं टूट टूट चला रहे हो क्या पूछ रहे तो पूछ के क्या करूं सर जो जवाब चाहिए था पहले ही मिल गया इधर आइए सुबह स्ट्रेट पूछो यार लेकिन तू ध्यान दे यार मैं लास्ट टाइम जब शुश कर रहा था सुन ही नहीं रहा था यार ध्यान दे रो कौन है कमेंट ना कमेंट सो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी बाय बाय.